हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत तिवारी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस में क्या होता है उसको समझने से पहले हमें देखना होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में हम किन किन बातों से डील करते हैं। तो हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट में हम मैरिज, डाइवोर्स और उससे रिलेटेड जो भी मैट्रिमोनियल रेमेडीज होती हैं उसको उससे डील करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदूज के लिए सिर्फ मोनोगैमी अलाउड है, मतलब पॉलीगैमी या बाईगैमी अलाउड नहीं है, तो आपके या किसी के भी जो हिंदू हैं उनके एक से ज्यादा स्पाउस नहीं हो सकते एक टाइम पर। तो अगर उन्हें दूसरी शादी करनी हो तो डाइवोर्स देके वो दूसरी शादी कर सकते हैं, बट पॉलीगैमी अलाउड नहीं थी। तो इसको बाईपास करने के लिए कुछ लोगों ने क्या करना शुरू किया, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। अब जब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो उनको ये उनके हिसाब से फ्रीडम मिल गई कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, बिकॉज इस्लामिक लॉज में या मुस्लिम पर्सनल लॉज में दो या दो से ज्यादा, मतलब अप टू फोर मैरिजेस परमिटेड है। तो इस जब ये ट्रेंड देखा गया कि ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो हिंदू हैं और उनकी मैरिज ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन बिकॉज दूसरी मैरिज करनी है तो वो क्या कर रहे हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उसके बाद दूसरी शादी कर ले रहे हैं। तो ऐसे जब केसेस बहुत सारे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL गई, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर जो इशू ये था कि क्या ऐसी मैरिजेस जो हो रही हैं क्या वो वॉइड हैं या नहीं है, तो उनकी लीगल लीगैलिटी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू मेन इशू यही था। ठीक है, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, फिर देखते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो वैसे आप लोगों को पता है कि ऐसा ही एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक कपल है जिनका कुछ ऐसे सिमिलर मैटर था, तो उसको हम केस के लास्ट में बताएंगे। बट अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे कपल हैं जो पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हुए उसके बाद उन्होंने मैरिज करी। ठीक है, आप देखिए इशू क्या था, इशू ये था कि वेदर अ हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर हिंदू लॉ बाय एम्ब्रेसिंग इस्लाम कैन सोलमनाइज अ सेकंड मैरिज। तो इसी की बात हम कर रहे हैं कि अगर उनकी ऑलरेडी एक मैरिज हो गई है तो क्या वो मुस्लिम में कन्वर्ट होके, ठीक है, हिंदू से क्या बन जा रहे हैं, मुस्लिम बन जा रहे हैं। तो अब हिंदू थे तो सिर्फ मोनोगैमी थी, मोनोगैमी, अब मुस्लिम हो गए तो बिना डाइवोर्स दिए सेकंड मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो यही सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि क्या ऐसी मैरिजेस अलाउड होनी चाहिए। फिर क्या है, वेदर सच मैरिज विदाउट हैविंग द फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व अंडर द लॉ वुड बी अ वैलिड मैरिज क्वा द फर्स्ट वाइफ हु कंटिन्यूज टू बी अ हिंदू। तो हस्बैंड वाइफ, जब हम हिंदू मैरिज की बात करते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों हिंदू हैं, अगर हस्बैंड कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सेकंड मैरिज करते हैं तो क्या जब हम वाइफ के हिसाब से देखेंगे, वाइफ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो क्या जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड होगी। फिर थर्ड इशू जो आता है, थर्ड इशू ये है कि वेदर द हस्बैंड हु हैज रेनाउंस्ड हिंदुइज्म, बिकॉज यू हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम दैट मीन्स यू हैव रेनाउंस्ड हिंदुइज्म। तो ऐसे केस में क्या उन्हें सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में, सेक्शन 490 ऑफ आईपीसी में बाइगेमी के ऑफेंस के लिए पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताएं एक बार। तो जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लुक, जब दो लोग हिंदूज हैं और उन्होंने अपनी मैरिज करी हिंदू मैरिज एक्ट में, तो इसका मतलब जब पहली मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी तभी सेकंड मैरिज कोई कर सकते हैं, इवन आपने इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया है, बिकॉज आपकी जो फर्स्ट वाइफ है शी इज स्टिल अ हिंदू, तो आपकी जो सेकंड मैरिज है वो लीगल नहीं मानी जाएगी इस्लाम को एम्ब्रेस करके। अगर आप कन्वर्ट हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुस्लिम लॉ में, पर्सनल लॉ में पॉलीगैमी अलाउड है और सिर्फ इसी वजह से आप कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से इलीगल है। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा हस्बैंड है जिन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ दिया है और उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया है, इसके बाद भी जो उनकी दूसरी शादी है अगर वो करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होके बिना फर्स्ट उनकी जो मैरिज को डिसॉल्व हुए, तो अगर पहली मैरिज सब्सिस्ट कर रही है, फर्स्ट मैरिज सब्सिस्ट कर रही है मतलब अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, और ये बंदा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस्लाम में, और उसके बाद सेकंड मैरिज कर लेता है, तो कोर्ट कह रहा है देन ऑल्सो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, मतलब दैट यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो हिंदुइज्म को छोड़ के सिर्फ शादी करने के लिए अगर आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं और जिससे आप सेकंड मैरिज कर पाए, तो ये एक अनलॉफुल चीज है, इलीगल है,
और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मैरिजेस को वॉइड बोला और कहा कि जब तक आपकी फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाती ऐसी मैरिज को इनलीगल माना जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं कि कौन से ऐसे बॉलीवुड के कपल थे जिन्होंने ऐसा किया था। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल ध्यान में आता है वो कौन है, कौन है, हाँ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।